हाय गाइस, आज आप ये अलमारी पेंट करेंगे। असमान कर दो, पहले दिखाइए कि ये वाला रंग है कि असमान ये कलर चेंज करना चाहते हैं। असी नवा घर बनाए, वो अनुसार अंदर जिदा का पेंट है वो जो भी कॉम्बीनेशन होगा वो सारा फर्नीचर करेंगे। सो करन तो पहला आपां पहला इहदे ते डस्ट पई हुंदी है उहनूं चंगी तरह साफ कर लईए तां कि पेंट का रंग चंगी तरह उभर के सामने आवे। हुण आपां पेंट स्टार्ट करन लगे हैं। सब तो पहले चादर बिछा लेनी नीचे, कोई कपड़ा इदा भी आप जो वादू घर में खराब वह एक कपड़ा ला लेना ताकि बार बार पेंट दूसरे कपड़े ना लगे। सो उस तो बाद पेंट दे चादर के उत्ते ही आप सारा समान रखना ता कि आप कोई भी और बाद दाग उतारन की मुश्किल ना आए। सो बड़ी आराम ना क्योंकि ये कार्विंग हुई है, थोड़ा बारीकी ना करने वाला काम है। सो आप काली नहीं करनी ताकि किसी भी बिच पहली पेंट का जोड़ा ना वो निशान ना दिखे, पता ना लगे कि आप पेंट के उत्ते उपर वाला पेंट कर रहे हैं। हाँ जी गाइस, जी अलमारी पेंट करनी शुरू की हूँ आप हौली हौली अब कंप्लीट कर देनी। दो दिन पेंट करके छड़ना पे क्योंकि पेंट पहला सुकता नहीं है, इस करके हम जो पेंट करना शुरू किया तो पहला ये वाली टेप लगाई ताकि जो मिरर है गंदा ना हो, गिलास जिन साफ रखने वास्ते ये टेप सारे पास लगाते। हूँ इन बिचों अलमारी असं सोचते हैं कि वाइट करिए, इस करके वाली जो फटियां खराब ना होना उत्ते भी पेंट टेप ला लीए। हूँ इस तरह इन्हों भी आप इदा कवर करा ताकि क्योंकि मोहरे सारा पेंट नहीं होना, ये वाले कलर रखना तो बिचों इनू वाइट पेंट करना। क्योंकि आ जड़िया फटियां ये बिल्कुल नाल जुड़िया हुई नहीं होनी, इतने तक हाथ नहीं जाना, इस करके इनू ये वाला रंग रखिया तो बिचों सामने वाली वॉल जी है वह सारी वाइट पेंट करेंगे तो बाहर ग्रे होगी। सो इज इट विल बी लुक गुड। हाय गाइस, उस दिन आपने ये टेप लगाई सी ताकि ये उत्ते इनू रिजन कर रखने वास्ते कि वाइट ना हो, हूँ टेप उतार दी है ये उदो आप इतने भी सारी लाई सी शीशा से भी तो हूँ वो टेप उतारती टेप ग्रीन टेप उन्हें कहते हैं वो टेप शीशे से कोई निशान नहीं पैंता बिल्कुल है, शीशे सारे साफ है जितों अपने पहला रंग रखना सी उत्थे लाई सी हूँ बिल्कुल कोई उत्ते वाइट स्पॉट नहीं आया। तो हूँ हैंडल भी लगाते हूँ हच जी पूरी तैयार हो गई है। इदा आप थोड़ी जी मेहनत करके थोड़े जे पैसे ला के एक पुरानी चीज़ ने नवी लुक देती, साडा ख्याल है कि तुहानूं बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।